का वो रेलवे स्टेशन जो एक लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा। कोई रेलवे स्टेशन किसी एक लड़की की वजह से बंद हो जाए यह सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, और वो भी तब जब स्टेशन को खुले अभी महज 7 साल ही हुए हों। आपको शायद यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। यह रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम है बेगुनकोट डोर रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। इसे खुलवाने में संथाल की रानी लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा है। यह स्टेशन खुलने के बाद कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। साल 1967 में बेगुनकोट डोर के एक रेलवे कर्मचारी ने स्टेशन पर एक महिला का भूत देखने का दावा किया। साथ ही यह अफवाह भी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में हो गई थी। अगले दिन उस रेलवे कर्मचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब उस वक्त के बेगुनकोट डोर के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया गया। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा था कि इन मौतों में उसी भूत का हाथ था। उसका कहना था कि सूरज ढलने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुजरती थी तो महिला का भूत उसके साथ साथ दौड़ने लगता था, और कभी कभी तो ट्रेन से भी तेज दौड़कर उसके आगे निकल जाता था। इसके अलावा कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखा जाने का दावा किया गया था। इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुनकोट डोर को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाने लगा, और यह रेलवे के रिकॉर्ड में भी दर्ज कर दिया गया। लोगों के अंदर इस महिला का भूत इतना खौफ बढ़ा चुका था कि वो इस स्टेशन पर आने से कतराने लगे। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो गया। यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारी भी डर के मारे भाग गए। कहते हैं कि जब भी किसी रेलवे कर्मचारी की बेगुनकोट डोर स्टेशन पर पोस्टिंग होती है वो तुरंत ही यहाँ आने से मना कर देता है। यहाँ तक कि इन स्टेशन पर ट्रेनों का रुकना भी बंद हो गया, क्योंकि डर के मारे ना तो कोई यात्री यहाँ उतरना चाहता था और ना ही कोई इस स्टेशन पर चढ़ने के लिए आता था। इसके बाद से पूरा का पूरा स्टेशन ही सुनसान हो गया। कहते हैं कि इस स्टेशन पर भूत की बात पुरुलिया जिले से लेकर कलकत्ता और यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय तक भी पहुँची। यह भी कहा जाता है कि उस वक्त जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती थी तो लोको पायलट स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन की गति बढ़ा देते थे, ताकि जल्द से जल्द वो उस स्टेशन को पार कर सके। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे लोग स्टेशन आने से पहले ही खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते थे। हालांकि 42 साल बाद यानी 2009 में गांव वालों के कहने पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर किसी भूत को देखे जाने का दावा नहीं किया गया है, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं है। फिलहाल यहाँ करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं। भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात हो चुके इस स्टेशन पर कई बार पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं।